इस वीडियो में मैं आपको पाइथन फंक्शन के बारे में बताऊंगा। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो के कॉल करने पर रन होता है। फंक्शन डेटा टाइप, डेटा को भी एज ए वैल्यू लेता है, एक्सेप्ट करता है, जो कि हम इसे पैरामीटर्स में पास करते हैं। इसके अलावा फंक्शन की रिटर्न टाइप भी होती है। फंक्शन रन होने के बाद हमें कुछ वैल्यूज रिटर्न करता है जो कि इसकी रिटर्न टाइप होती है। एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ का कीवर्ड यूज होता है। अब इस फंक्शन के अंदर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं लाइक प्रिंट। This is my function। यहाँ तक तो फंक्शन डिफाइन हुआ है। ये तब तक रन नहीं होगा जब तक हम इसे कॉल नहीं करते। कॉल करने के लिए इसे बाई नेम कॉल करना पड़ेगा। ये हमने इसे कॉल किया है, अब कोड को रन करते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन और उसे रन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन में हम कोई भी आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले फंक्शन जहाँ पे हमने डिफाइन किया है, कोई भी पैरामीटर हम डिफाइन करेंगे। हम इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं। हम इसमें कोई भी स्ट्रिंग पास कर देते हैं। तो आप जैसे इसे रन करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पैरामीटर है वो फंक्शन को पास हुआ है और फंक्शन ने यहाँ पे प्रिंट जो फंक्शन है उसे पास करके इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा दी। इसी तरह हम इसको मल्टीपल टाइम भी कॉल करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल करवाया। सिमिलरली हम कोई भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। इन केस अगर कोई भी उसकी कॉलिंग के दौरान पैरामीटर हम उसे पास नहीं करते, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा उसको आगे फर्दर पास कर देगा। अब हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन को विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट। तो आप देख सकते हैं जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो इसने आगे फर्दर पास कर दी है। सिमिलरली हम इसके आर्गुमेंट में कोई भी लिस्ट भी पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज फ्रूट।
यहाँ पे हम एक लिस्ट डिफाइन करेंगे फ्रूट्स के नेम की, अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा इसे रन करने के लिए, my function, और जो फ्रूट्स हैं ये एक लिस्ट है हम इसको पास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो फ्रूट एक लिस्ट है ये फंक्शन को यहाँ पे पास हुई है, और फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल किया है जो कि डिफाइन यहाँ पे था, और जब फ्रूट्स की वैल्यू फंक्शन में पास हुई आगे फर्दर फॉर लूप चला और वन बाय वन उसने जो लिस्ट है उसके वैल्यू जो है प्रिंट करवा दी हैं। तो इस तरह से हम कोई भी डाटा टाइप फंक्शन के आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं। सिमिलरली हम फंक्शन की रिटर्न टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस कौन सी वैल्यू रिटर्न करवाएगा। फॉर एग्जांपल हम इससे फ्रूट रिटर्न करवाते हैं, इंट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इस जो फ्रूट है इसको कॉल करने के बाद इस जो रिटर्न टाइप जो रिटर्न है वो हम उसको सेव करवा देते हैं फंक्शन रिटर्न में, और इसे हम प्रिंट करवा देते हैं। चूंकि ये फॉर लूप लगा है तो हमें कोई ना कोई वैल्यू इसे प्रिंट करवानी पड़ेगी। लूप is running, तो आप देख सकते हैं ये लूप 3 टाइम रन हुआ है क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं लिस्ट में, और सबसे एंड पे जो हमारे पास वैल्यू रिटर्न हुई है फ्रूट की वो है बनाना। तो इसने जो फंक्शन ने जो यहाँ पे हमने कॉल किया है उसने ये वाली वैल्यू फंक्शन रिटर्न में दे दी और इसको हमने प्रिंट करवाया तो यहाँ पे बनाना प्रिंट हो चुका है। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू फंक्शन में पास और रिटर्न करवा सकते हैं। फंक्शन वैल्यू लेता है, कोई आर्गुमेंट्स लेता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें उसके अगेंस्ट एक वैल्यू रिटर्न करवाता है। सिमिलरली हम फंक्शन को मल्टीपल वैल्यू एज ए आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसे फंक्शन डेफिनेशन में डिफाइन करना पड़ेगा। फ्रूट्स तो आप देख सकते हैं कि हम, लेकिन अब हमें इसको जब हम कॉल करेंगे तब भी इसे हमें पास करना पड़ेगा वेजिटेबल। रिटर्न करने से पहले हम लूप से बाहर
हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम प्रिंट करवा देते। बल्कि हम रिटर्न फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब चूंकि ये दो वैल्यूज रिटर्न करवा रहा है तो हमें दो ही वेरिएबल बनाने पड़ेंगे इन वैल्यूज को होल्ड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 3 टाइम लूप रन हुआ है, उसके बाद उसने हमें दो वैल्यूज रिटर्न करवाई हैं, एक जो फ्रूट की लिस्ट में जो सबसे एंड पे वैल्यू थी वो, और उसके अलावा उसने जो वेजिटेबल्स की पूरी लिस्ट जो हमने उसे पास की थी वो हमें उसने रिटर्न करवा दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेजिटेबल की एंड वाली लिस्ट की वैल्यू प्रिंट हुई है और पूरी की पूरी जो वेजिटेबल की लिस्ट है वो प्रिंट हो चुकी है। इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, उसे कॉल कर सकते हैं, उसको आर्गुमेंट पास कर सकते हैं मल्टीपल, और मल्टीपल वैल्यूज उसे रिटर्न करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।